गॉस लॉ के बारे में स्टडी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गॉस लॉ स्टडी कर रहे थे, राइट। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो गॉस लॉ एक्चुअल में फ्लक्स कैलकुलेशन में मदद करता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक। यहाँ से क्या था, लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉस डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। हाँ राइट, ठीक है। ई डॉट डी ए, ठीक है। वेयर क्यू इन क्या होता था, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के जो चार्ज है उसके अंदर, यानी साइन के साथ लेते थे, ठीक ठीक और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कौन सा होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्ज, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेशन में क्या बाहर का चार्ज का कंट्रीब्यूशन था, फ्लक्स कैलकुलेशन में बाहरी चार्ज का कंट्रीब्यूशन था, नो। सिर्फ जो सरफेस के अंदर था उसकी वजह से चार्ज होता था, राइट। ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चन भी कर लिए थे। हम लोग क्या करते थे, सेमेट्री का कंसेप्ट लगाते थे, सेमेट्री कंसेप्ट यानी सेमेट्रिकल फिगर बनाते थे, और उसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, और एक की वजह से निकालते थे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की मदद से। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन स्पेस इन स्पेस इज गिवेन एज एज रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ लिंक्ड टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ लिंक्ड विथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक। देखो क्वेश्चन समझो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्पेस में दे रखा है, रो नॉट रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, जो आर है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। उस स्फेयर से टोटल फ्लक्स क्या होगा जिसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसका मतलब हम लोग को पहले क्यू इन कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन लिख लिया, ठीक। देखो देखो समझो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा और एक स्फेयर रखा हुआ, ठीक है। देखो ये स्फेयर है, ठीक, ये ओरिजिन हो गया, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्फेयर है, दिस इज स्फेयर, ठीक है। सर्कल नहीं कंसीडर करना, इसको 3D में समझो, स्फेयर है। जो चार्ज होगा उसका ये जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर है, ठीक है। कूलम पर क्या हो जाएगा, यूनिट पर मीटर क्यूब, ठीक। तो हम लोग इस स्फेयर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज किसके अंदर का निकाले, इस स्फेयर के अंदर या बाहर, अंदर। और अंदर का चार्ज डेंसिटी कैसा दे रखा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वेरिएबल। हम हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड स्फीयर, क्योंकि हमको सिर्फ इनसाइड से मतलब है। फ्लक्स कैलकुलेशन में कौन सा यूज होता है? अंदर वाला, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आर पे जाके डीआर थिकनेस का क्या मान लेंगे, एक हॉलो स्फीयर मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक डीआर थिकनेस का हॉलो स्फीयर, यानी एलिमेंट क्या मान लेंगे मेरा, हॉलो स्फीयर। ठीक है, एलिमेंट क्या हो गया, हॉलो स्फीयर। ठीक, अब देखो इस हॉलो स्फीयर का अगर हम डी क्यू लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रो डी भी, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और रो कितना है, रो नॉट आर स्क्वायर डी भी। डी भी इज द क्या होता है, डी भी इज द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट। इलेक्ट्रोस्टेट के स्टार्टिंग सेक्शन में हम करवाए थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह का क्वेश्चन, राइट, क्यू इन कैलकुलेट करना। तो डी भी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर कितना हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जो एलिमेंट है, हाँ, 4πr² इंटू डी आर। ठीक, ये r रेडियस का है और थिकनेस डी आर है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी भी अगर लिखेंगे तो 4πr² डी आर, एरिया ऑफ सरफेस इंटू थिकनेस। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, रो, रो नॉट आर स्क्वायर इंटू 4πr² dr। देखो क्या हो गया, 4πρ0r⁴ dr। बट हम लोग क्या निकालना है, q in निकालना है। इसका मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे dq को, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। वो कितना रेडियस में चाहिए, r रेडियस में चाहिए, है ना, कैपिटल r। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। देखो तो 4πρ0 बाहर आ जाएगा, आर के पावर 4 इंटू डी आर, 0 से लेके आर। तो ये क्या आ गया, 4πρ0 आर के पावर 5/5। ये टोटल चार्ज आ गया, यानी अब हम लोग क्यू इन कैलकुलेट कर लिया, यानी इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया। ठीक है, देन फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब तो फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कितना है, 4πρ0 आर के पावर 4/5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा टोटल फ्लक्स लिंक विद स्फीयर। ठीक है, यानी कि देखो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल भी है तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग क्यू इन कैलकुलेशन पे फोकस करें। ठीक है, फोकस किस पे करना है, क्यू इन पे। और ये कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देखो, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग हर तरह का पढ़े थे, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, राइट, आर के पावर 5/5 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 5/5। अच्छा, यहाँ पे 5 है ना, राइट। तो ये होगा तुम्हारा फ्लक्स। ठीक है, अब देखो इसमें गया? देखो इसमें हम लोग जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, करते हैं। ये हॉलो या सॉलिड है उसे, इससे थोड़ी मतलब है, हमको इसके अंदर का चार्ज से मतलब है। फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज इनसाइड चाहिए। हॉलो है या सॉलिड है इससे मतलब थोड़ी है, अंदर चार्ज कितना है उस पे मैटर करता है। तो अंदर और चार्ज डेंसिटी दे रखा था, मतलब पूरा एयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, दे रहा है ना क्वेश्चन में, डेंसिटी इन स्पेस लिखा हुआ है, राइट, इस तरह, यानी पूरे फैला हुआ है चार्ज। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये मान लो एक हॉलो स्फीयर है, राइट, क्वेश्चन है जो कंसेप्ट, ये एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर से बीच में से कोण बना लिए, कोण काट लिए, कोण,
जो कुल्फी खाते हैं ना वो वाला कोन, और यहाँ सेंटर पे चार्ज रख दे, और तब पूछेंगे कि इस वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स निकलेगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन से फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये कोन बना, कोन ये क्या बना, एक सॉलिड कोन बना, दिस इज सॉलिड कोन, कोन। अब इस तरह के क्वेश्चन, कोन समझ में आ रहा है ना, कुल्फी वाला जो खाते हैं ये वाला कोन, राइट, ये वाला कोन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, राइट, ये जो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सबसे पहले देख लेते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल थोड़ा सा देख लेते हैं, देन इसका कैलकुलेशन करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट, ठीक है। सॉल्व एंगल, देखो एंगल दो तरह का होता है, वन इज प्लेन एंगल एंड अदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, देखो प्लेन एंगल जो अब तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे रेडियन, डिग्री, ये सब यूनिट किसका है, प्लेन एंगल का, रेडियन, ठीक है, डिग्री, डिग्री 25 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब जो यूनिट पढ़ा है किसका, प्लेन एंगल का, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन, ठीक, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको डी डज ओमेगा, ठीक है, और इसको प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक, थीटा, फाई, ये सब नोटेशन किसका है, प्लेन एंगल का, ठीक है। देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है, सबसे पहले प्लेन एंगल को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल को देखते हैं, हम लोग को इंपॉर्टेंट यही है सॉलिड एंगल है, ठीक है, क्योंकि प्लेन एंगल हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट, हो गया। हो गया, चल आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो प्लेन एंगल, ठीक, देखो मान लो दो रे है, एक रे ये और एक रे ये, ठीक है, ठीक है, तो दो रे के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा, इस वाले एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क, ठीक है। मान लो ये स्मॉल आर रेडियस ले लो, ठीक, एक 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 और कैपिटल आर का रेडियस का आर्क ले लो, ठीक है, ठीक है, कैपिटल आर का, ठीक, ये फर्स्ट ये सेकंड, देखो दोनों आर्क के लिए क्या एंगल का वैल्यू सेम है, क्या दोनों आर्क के लिए एंगल का वैल्यू सेम है, ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ठीक, जो एंगल थीटा यह एक्चुअल में होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में थीटा, यहां से हम लोग अगर निकाले आर्क, अगर एंगल पता हो तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है, जो रेडियस जो थीटा होता है एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल बेसिकली पाथ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पाथ है, पाथ वन, पाथ टू, ठीक है, एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ये एक्चुअल में थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट पाथ, ठीक है, कौन सा पाथ, और डिपेंड डिसाइड कौन करेगा, रेडियस डिसाइड करेगा, ठीक है, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, रेडियस, क्योंकि थीटा तो सब पाथ के लिए सेम होता है, बट जैसे जैसे अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग पाथ होगा, राइट, थीटा, देखो थीटा यहाँ पर बोल सकते हैं थीटा वन के लिए, पाथ वन के लिए इक्वल है थीटा पाथ टू के लिए, है कि नहीं, दोनों के लिए थीटा क्या है, बराबर है, बट रेडियस डिफरेंस होने की वजह से पाथ क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिसाइड कौन करेगा, रेडियस, अगर रेडियस डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस होगा, तो ये एक्चुअल में थीटा किसी पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है ये सारा प्लेन एंगल का होता है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग मेनली सॉलिड एंगल पर फोकस करना है। सॉलिड एंगल, ठीक है, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप, कैप कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैप कैप। देखो कहने का मतलब, अगर मान लो ये कोन हो गया, कुल्फी वाला कोन, ठीक, इस तरह का, ये जो सॉलिड एंगल बना ये, ठीक है, इस तरह कैप, जिसमें भी ये कैप लगा होगा, देखो ये कैप बन रहा है, ठीक है, इसको कैप, जहां भी कैप होगा इसका मतलब समझ रहे ना कि वहां सॉलिड एंगल है, मतलब ये सॉलिड है, ठीक, ये कोन हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कोन का है, ये कोन है तुम्हारा कुल्फी वाला कोन, ठीक। और इसको यूनिट जो होता है ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन, ठीक है, एस्टेरेडियन, ठीक है। अब देखो सॉलिड एंगल होता क्या है, ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है डीए अपॉन आर स्क्वायर, एक्चुअल में डीए परपेंडिकुलर, देखो समझो ये क्या लिख पा रहे हैं, देखो अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, मान लो ये कोण, ये बहुत छोटा है एकदम, मान लो, तो अगर हम एक रेडियस यहां से ड्रॉ करें, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो यह जो प्लेन का एरिया होगा इसको बोलेंगे डीए, ठीक, विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है, एरिया कौन सा लेंगे, वह एरिया जो रेडियस वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, देखो एकदम समझो, एकदम छोटा सा कोण, ये मान लो बहुत छोटा कोण है, ठीक है, इसको बड़ा नहीं समझना, बहुत छोटा सा, ठीक, बहुत स्मॉल पार्ट लिए, ठीक है, कुल्फी का बहुत पतला सा ले लिए, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो सरफेस बनेगा एकदम बहुत छोटा बनेगा, मतलब ये जो टॉप वाला एयर एरिया होगा ना, ये ऑलमोस्ट एक प्लेन होगा, और यहां से सेंटर से इसका जो हर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, ठीक, और ये परपेंडिकुलर होगा, तो दिस एरिया, ये वाला जो एरिया डी ए, दिस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, यहाँ पर क्या लेते थे, लेंथ, बट यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एरिया, प्लेन लेते हैं, ठीक है, यानी एंगल किसके बना, रे से मिलने से, लाइन के मिलने से, बट सॉलिड एंगल कब बनेगा, प्लेन के मिलने से सॉलिड एंगल बनेगा, इसलिए तो हम लोग एरिया ले रहे हैं, ठीक है, डीए, अबाउट डीए लिख लेना, देखो एरिया सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू टू आर, ठीक है, जिस डीए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया जिसका सरफेस आर के परपेंडिकुलर है, वह एरिया जिसका सरफेस आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, देखो समझते हैं इस चीज को, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है, इस थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है, उसके पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं, ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, राइट, हो गया, हो गया, डीए, देखो डीए, डीए मतलब जो भी कोण बनेगा ना, तो ये परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम पॉइंट ये लेते हैं और रेडियस ये लेते हैं, तो जो सरफेस एरिया लेंगे ना, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक, इसको समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर वेट करो, थोड़ा सा समझाते हैं, हो गया, ठीक, चलो इस चीज को समझते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है, उसको समझने के लिए एक स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर रेडियस का एक स्फीयर लेते हैं, राइट, समझो,
ये स्फीयर है, सर्कल नहीं समझना सब, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, फुटबॉल, राइट, ये स्फीयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक छोटा सा एरिया ले तो क्या ये सरफेस ये वाला एरिया हो जाएगा डी ए, हुआ कि नहीं। स्फीयर में किसी भी पॉइंट सरफेस पे किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या परपेंडिकुलर होता है, होता है कि नहीं, राइट। तो अगर हम लोग इसका ओमेगा लिखना चाहें, ओमेगा, ठीक है, इस छोटे से डीए का, देखो इस छोटे से डीए का मतलब ये छोटा वाला एकदम डी थीटा, डी ओमेगा की बात करते हैं, ये छोटा सा एरिया, ये डी ओमेगा, ठीक। तो अगर इस डी ओमेगा को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डीए अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, छोटा सा एंगल। अगर हम टोटल सॉलिड एंगल की बात करें कि स्फीयर में कितना टोटल सॉलिड एंगल बनता है ओमेगा, अगर टोटल की बात करें तो क्या क्या टोटल एरिया ले लेंगे, क्योंकि हर जो कहीं भी अगर वेक्टर लेते हैं, आर वेक्टर लेते हैं, तो उसका सरफेस जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4πr² अपन r² 4π, इसका मतलब सॉलिड एंगल सरफेस स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, टोटल सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4π, ठीक। ये सॉलिड एंगल बता रहे हैं, तुमसे प्लेन एंगल पूछता है तो टोटल प्लेन एंगल कितना हो जाता है, 2π। देखो प्लेन एंगल जी, प्लेन एंगल थीटा 0° से 360°, ठीक, लेकिन सॉलिड एंगल देखो 4π तक चला गया, मतलब पूरा एक स्फीयर में लेते हैं, एक स्फीयर में अगर प्लेन एंगल बात करते हैं, इसको सर्कल में देखो, अगर सर्कल में हम घूमे ने, ठीक है, समझो सर्कल में अगर घूमते हैं, राइट, ये सर्कल में तो प्लेन बनेगा, तो कितना मैक्सिमम पूरा यहां से यहां घूम सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, 2π बनेगा, 360 बनेगा, राइट। लेकिन यही अगर सॉलिड में घूमेंगे, सॉलिड में, तो कितना बनेगा, 4π बने, 4π बनेगा, राइट। ओमेगा कितना बन जाएगा, 4π। तो सॉलिड एंगल हो गया 4π, बट प्लेन एंगल कितना हो गया, 2π, ठीक है। अब देखो क्या रिलेशन है इस सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में, ठीक है। देखो प्लेन एंगल का मतलब चारों तरफ घूम जाना, पूरा एक स्फीयर को कवर कर लेना, तो पूरा मतलब एक सरफेस को कवर कर लेना, जिस तरह प्लेन में पूरा एक सर्कल को कवर कर लेते हैं, देखो इस प्लेन में एक सर्कल को कवर कर ले रहे हैं पूरा, तो दिस इज द मैक्सिमम एंगल, क्या इससे भी ज्यादा एंगल होगा, नहीं ना, ठीक। उसी तरह सॉलिड में अगर पूरे चारों तरफ घूम जाए, पूरे इस सेंटर के चारों तरफ, देखो लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ पूरा एकदम यूनिफॉर्मली, तो कितना एंगल बन जाएगा, 4π। हाँ, तो ये सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो, और एक और बात समझो, ये हो गया, लिखो इसका प्रूफ हम कराएंगे, क्या रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, राइट, 4π होगा, राइट, 4π, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच क्या रिलेशन, इस चीज को समझते हैं, राइट, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए, यानी बेसिकली सॉलिड एंगल मतलब ओमेगा और प्लेन एंगल मतलब थीटा, इसका यूनिट स्टेरेडियन और इसका यूनिट रेडियन। देखो जो रिलेशन आता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, रिलेशन जो होता है ओमेगा बराबर जो होता है, पहले लिख लो उसके बाद प्रूफ बताते हैं, 2π 1 cos θ, वे थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल, ठीक है, थीटा क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल, थीटा क्या है हम बताते हैं क्या क्या होता है, पहले लिख लो, सेमी वर्टेक्स एंगल, ठीक। ओमेगा, इसका ओमेगा के यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, राइट,
ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है। अब इस चीज को प्रूफ करते हैं, राइट, ये आता है कैसे है? ओमेगा बराबर 2π × 1 − cos θ। चलो ये हो गया। देखो इसको समझने के लिए एक हम लोग स्फीयर लेते हैं, ठीक है, कंसीडर स्फीयर। एक चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, राइट, स्फीयर रेडियस आर ले लो। ठीक है, अब देखो यहां से एक मान लो एक कोण काटते हैं, ठीक है, एक कोण काटते हैं, ठीक, क्या एक इस तरह का कोण बनेगा? समझ में आ रहा है ना, इस तरह का कोण बनेगा ना ये सरफेस, कौन बनेगा ना इस तरह का, राइट, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है यानी वर्टेक्स से, देखो ये टोटल एंगल बना सॉलिड एंगल, ठीक है, दिस इज ओमेगा, बट इसके हाफ जो एंगल, ये प्लेन इसका प्रोजेक्टेड अगर देखे, फ्रंट व्यू देखे, ठीक है, प्रोजेक्ट करके देखो तो क्या एक ट्रेंगल नजर आ रहा है ये वाला, क्या इस तरह का एक ट्रेंगल नजर आ रहा है ना। तो ये लेते हैं थीटा, और इसी थीटा को बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। ये थीटा क्या कहलाता है? सेमी वर्टेक्स एंगल यानी प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है, प्रोजेक्ट करके, सेमी मतलब हाफ वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका ओमेगा लिखना चाहें, ये ओमेगा लिखना चाहिए इसका, अगर हम ओमेगा लिखना चाहें तो एक्चुअल में ये जो एरिया बनेगा, ये कैप टोपी का वाला एरिया, देखो ऊपर से कुल्फी में उठा रहता है, इस तरह उठा रहता है ना, तो ये जो एरिया बनेगा इसको बोलेंगे एरिया ऑफ कैप, ठीक है। तो ओमेगा जो होगा एरिया ऑफ कैप बाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ कैप बाई आर स्क्वायर, ठीक है। राइट, ये जो ओमेगा लिखेंगे, दिस इज, हाँ दिस इज एरिया, ये जो कैप का एरिया बनता है, देखो आइसक्रीम के ऊपर जो एक कैप होता है, ये वाला कैप समझो, इस कैप का एरिया अपन रेडियस स्क्वायर, और चूंकि ये चूंकि बहुत छोटा, हम जो एलिमेंट लेंगे बहुत छोटा, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझो, ठीक है। देखो चलो इस कुल्फी वाले इस कोन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, देखो इस कोन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, राइट, इस कोन को हम बाहर निकाल लिए, ठीक। देखो इस पे क्या करेंगे, और ये रहा तुम्हारा सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा, ठीक है, ये रहा थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, देखो थीटा पे जाके यहाँ पे देखो, यहां से अब एक डी थीटा का एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, समझो। अगर ये थीटा लेते हैं, मान लो ये थोड़ी देर के लिए अल्फा, ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए फाई मान लो या अल्फा मान लो, ठीक, तो थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, डी थीटा, राइट, और ये जो बनेगा देखो इस तरह का एक रिंग बनेगा, इस तरह क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। इमेजिन करो कि अगर एक डी थीटा का पतला सा, चूंकि ये सॉलिड है तो अगर पतला सा हम कट करते हैं, ठीक है, इस तरह का पतला सा अगर डी थीटा का एक एलिमेंट कट करते हैं तो ऊपर एक रिंग बनेगा, यहाँ पर एक गोल रिंग इस तरह का बनेगा, ठीक है, बनेगा ना, एक सेकंड जब फिर से बताते हैं, देखो इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, एक बार बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक,
देखो ध्यान से देखो, कैप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, कैप को भूल जाओ, उसको प्लेन मान लो, ठीक, सर्कल मान लो, ठीक है, कैप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसको सर्कल ट्रीट करते हैं, राइट। और ये रहा तुम्हारा वर्टेक्स, सेमी वर्टेक्स, ठीक है, ये एंगल मान लो फाई, ठीक, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये कोन है, कोन कोन है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, एक्चुअल में इस पे कैप लगा हुआ, टोपी लगा हुआ, तो हमको टोपी वाला एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक, यहां से देखो बेस, इस बेस से यानी इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से, ठीक है, एक थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लेंगे, ठीक, डी थीटा का ऐसे एलिमेंट ले लेंगे, ठीक, देखो ठीक है, यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेंगे और इसका एक रिंग कट कर लेंगे, देखो समझो, अब बताओ, अब ये फील आ रहा है कि एक रिंग कैसे हुआ, पता चल रहा है, कोण में जाके एक रिंग कट कर लिए, राइट, समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं। एक देखो कुल्फी में एक चक्कू ऐसे घुमाते हैं तो क्या बनता है, कोन बनता है ना, तो एक पतला सा स्ट्रिप का कोन काट लिए, एक्चुअल में क्या काट के लिए, कोन काट कर लिए, बट हमको इसका एरिया निकालना है ऊपर वाला, हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, इस रिंग का एरिया निकालेंगे, तो मान लो रिंग का रेडियस स्मॉल आर, रिंग का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, और ये जो सेलेंट हेट है इसका आर, ठीक है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, आर बराबर, देखो आर का इसका कौन सा कॉम्पोनेंट हो जाएगा, आर साइन थीटा, राइट, और इस रिंग का अगर थिकनेस की बात करें डी आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, डी आर बराबर थिकनेस ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, रिंग का एरिया, देखो इस रिंग को कट कर दो, रिंग को ओपन करेंगे, ये होगा, ठीक, इसका रेडियस था स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर, तो अगर डी ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डी आर, और देखो आर क्या है, आर साइन थीटा है, 2 पाई आर साइन थीटा, और डी आर क्या है, आर डी थीटा यानी आर स्क्वायर डी थीटा, तो दिस इज डी यानी एरिया ऑफ रिंग, इस रिंग का एरिया आ गया, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रिंग, हम लोग इस पे वेरिएबल क्या है, थीटा, ठीक है, ये वाला वेरिएबल कर लिए, ठीक है, मतलब इस पर थीटा कहां से कहां तक मूव करेगा, अगर हम देखो थीटा को 0 से लेके 5 तक घुमा देंगे तो क्या पूरा रिंग कवर कर लेगा, इस पूरा का एरिया निकल जाएगा, समझो, क्योंकि दोनों तरफ है, आवाज आ रही है, रिप्लाई करो, ठीक, तो अगर हम टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ कैप निकाले, एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ कैप, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डीए यानी 2 पाई आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा डी थीटा, राइट, ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, देखो 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, हाँ अल्फा लिख दिया, 5 लिख लो, 0 से लेके 5 तक, क्योंकि अगर देखो यहां से यहां तक घूमेगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों तरफ का कवर कर लेगा, राइट, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ द कैप, ठीक, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं, एरिया कितना आता है, एरिया 0 से लेके 5 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, राइट, अब देखो, ठीक, देखो ठीक है, तो ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 5 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा के माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके 5, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 माइनस
कॉस फाई, ठीक। तो ये क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो दिस इज द एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ कैप। बट हम लोग को क्या निकाला था, हम लोग को सॉलिड एंगल निकाला था। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ कैप, कैप अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एरिया, हाँ क्योंकि हम इस कैप का एरिया निकाल लिए, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ कैप क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई, वेयर फाई द सेमी वर्टेक्स एंगल। ध्यान से देखो फाई क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल, ठीक है। ये एक रिलेशन है, देखो फाई ये रहा, ये वाला फाई है, ठीक ठीक है। चलो तो ये एक रिलेशन आ गया सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में, ठीक। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं वो चीज समझाते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। देखो अब इसका देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक। स्फीयर में हम लोग पढ़े थे, फॉर स्फीयर सॉलिड एंगल कितना था, 4 पाई। अब देखो एक स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर अगर इसका हम लोग फाई कैलकुलेट करना चाहें, प्लेन एंगल कैलकुलेट करना चाहें फाई, तो क्या जो फाई होगा ये तुम्हारा पाई हो जाएगा, क्योंकि हाफ एंगल लेते हैं। देखो टोटल जो कोण ले रहे हैं, समझो इस बात को, इस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई में जो फाई लेते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, वो आधा लेते हैं। देखो ये कोण बना, और कोण बनने से जो पूरा सेंटर से इसके मिलाने से ये जो एंगल बना हाफ, ये फाई लेते हैं ना कि टोटल वाला। तो इसमें टोटल कितना बन रहा है प्लेन एंगल, 2 पाई, 2 पाई। तो सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई का आधा वर्टेक्स एंगल, ठीक। तो अगर इसका हम ओमेगा निकालना चाहें तो पुट कर दो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई कितना हो गया, 4 पाई, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ वेरीफाई होगा कि मतलब हम जो पढ़े रिजल्ट वो चीज सही है, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो इसको एप्लीकेशन के लिए, इसका एप्लीकेशन, ठीक है, एक बेसिक सा एप्लीकेशन, ठीक है समझो, ठीक है, एक बेसिक सा एप्लीकेशन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, राइट। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बल्ब रखा गया, ठीक, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक, बल्ब जो लाइट कर रहा है, ठीक है, ये बल्ब यहाँ से ग्लो कर रहा है, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, ठीक। और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, और यहाँ से हम पूछे कि 1 मीटर के रेडियस में, ध्यान से देखो 1 मीटर के रेडियस में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल से कितना एनर्जी आएगा, ध्यान से देखो 1 मीटर के रेडियस में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल से कितना एनर्जी आएगा, और जो इस ओरिजिन से जो सोर्स है मतलब जो लाइट है बल्ब है वह 1 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। तो इससे बताना इससे एनर्जी कितना निकलेगा, एनर्जी कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया कि नीचे रखा हुआ है, ठीक 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर 1 मीटर के सर्कल से कितना एनर्जी निकलेगा वो चीज कैलकुलेट करना है। एनर्जी का क्या मतलब, फ्लक्स बेसिकली। तो पहले एनर्जी कहीं देख लो, आगे चले, अच्छा डिस्प्ले, ओहो हो सकता है थोड़ा सा नेट स्लो हो गया हो, राइट, सही हो जाएगा, ठीक है। एक आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे बल्ब था और ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज कर रहा था चारों तरफ, ठीक। यहां से 1 मीटर ऊपर 1 मीटर के सर्कल से
कितना एनर्जी पास करेगा, यही था ना क्वेश्चन। चलो किसी का माइक है उसको पहले बंद कर दो, ठीक है आवाज आ रहा है। ठीक है देखो, 1 मीटर नीचे लाइट था, 1 मीटर के रेडियस से इस सर्कल से कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो ध्यान से देखो, इस बल्ब से ये 100 जूल एनर्जी जूल पर सेकेंड क्या इस चारों तरफ निकल रहा है कि एक तरफ दे रहा होगा? बल्ब से चारों तरफ निकलता है कि एक तरफ निकलता है? यानी बोल सकते हैं ना कि ये 100 जूल जो है यह 4π एंगल से निकल रहा है, बोल सकते हैं कि नहीं? अब थोड़ा टेक्निकल भाषा में, चारों तरफ का हम टेक्निकल भाषा समझो, चारों तरफ का मतलब हो गया 4π। ठीक है, जब भी बोलेंगे चारों तरफ तो मन में क्या आना चाहिए कि 4π का एंगल बन रहा होगा, मतलब स्फीयर जैसा कल्पना, राइट? ठीक है, अब देखो इसका मतलब कि अगर हम इस सर्कल को अगर एक कोन बनाए, कोन बनाए, तो जो भी एनर्जी निकलेगा इस कोन के माध्यम से निकलेगा, राइट? निकलेगा कि नहीं? तो ये एंगल कितना बना? फाई। यहां पर फाई कितना बना देखो, टेन इनवर्स 1/1 45 डिग्री बना, बना कि नहीं? क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो फाई कितना हो गया 45 डिग्री। तो अगर हम इस सॉलिड एंगल निकाल ले कि ये सॉलिड एंगल कितना बना ओमेगा, तो पता चल जाएगा 1 - cos φ एंड 2π × 1 - cos 45 1/√2, यानी इतना का कोण बना। तो हम लिख सकते हैं ना, चूंकि 4π एंगल से 100 जूल निकल रहा है, इसलिए 1 से यूनिट एंगल से कितना निकलेगा, 100/4π इतना जूल, इसलिए ओमेगा से कितना निकलेगा, 100/4π × ओमेगा यानी 100/4π × 2π 1 - 1/√2 इतना जूल का एनर्जी निकलेगा, राइट? एकदम एक एक नियम वाला कंसेप्ट है। बल्ब क्या चारों तरफ एक जैसा लाइट शो करता है ना? बल्ब इमेजिन करो, बल्ब के 1 मीटर इधर लेफ्ट में रहो चाहे 1 मीटर राइट में रहो, बल्ब का अगर एक जो बल्ब होता है गोल वाला स्फीयर वाला स्फेरिकल, उसके चारों तरफ रोशनी बराबर होता है, ठीक है, एकदम रेडियली बराबर होता है, यानी 4π से 100 जूल निकल रहा है, चारों तरफ का मतलब 4π। तो एक एक नियम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, राइट? तो इस तरह हम लोग ये इसका यूज करते हैं। अब देखो एनर्जी का निकलने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल सकते हैं कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, फ्लक्स कैलकुलेशन, इसका मतलब हम लोग इसका यूज करके फ्लक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? देखो कैसे, चलो अब जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी क्वेश्चन को एक बार इसके माध्यम से हम लोग करते हैं, डिस्क वाला, राइट? फ्लक्स थ्रू द डिस्क, सबको याद है? ये एनर्जी क्या बताया, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंट क्या बताता है, फ्लक्स। इसका मतलब हम लोग एनर्जी ना कैलकुलेट करके डायरेक्ट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? देखो इसका एप्लीकेशन, ठीक, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, ये एक डिस्क है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ये एक डिस्क है आर रेडियस का, ठीक है, रेडियस आर, ठीक है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे क्यू चार्ज है, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। देखो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर चुके थे, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताओ, इस डिस्क से कितना फ्लक्स जाएगा, पहले आंसर बता दो। राइट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब देखो ये हम लोग कितना इंटीग्रेशन इसमें लगाए थे, इंटीग्रेशन के मदद से कैलकुलेट किए थे, है ना? ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें फ्लक्स का कैलकुलेशन ये वाला मेथड लगाए थे, आई थिंक ये वाला मेथड लगाए, ठीक है, यही था ना? अच्छा QA/2ε0, ठीक। अब देखो अब इसको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, ठीक है? देखो अगर इमेजिन करो, अगर ये चारों तरफ से फ्लक्स निकालेगा तो कितना निकलेगा, फ्लक्स टोटल Q बाई
एप्सिलॉन नॉट, समझो चारों तरफ से निकालेगा तो कितना निकलेगा? क्या इस डिस्क को बोल सकते हैं दिस डिस्क इज ए पार्ट ऑफ बिग स्फीयर? समझे, हम लिख रहे हैं उस भाषा को समझना, डिस्क इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। धरती का एक गोला काट लो छोटा सा रेडियस का, तो क्या दिखेगा? डिस्क दिखेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या दिखेगा? डिस्क दिखेगा। तो अगर हम लोग इस बड़ा पूरे इस पूरे रेडियस के स्फीयर से अगर हम लोग फ्लक्स निकाले तो कितना निकलेगा? फ्लक्स टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज यही हो जाएगा, राइट? ये चीज समझ में आ गई नहीं? तो हम क्यू टोटल यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं चारों तरफ से यानी 4 पाई एंगल से फ्लक्स जो निकला वो है तुम्हारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो अब हमको ये वाला एंगल थी, ये वाला सॉलिड एंगल चाहिए, ये वाला सॉलिड एंगल इस कोण वाले से कितना निकलेगा? ये सॉलिड एंगल से तो ये मान लो फाई। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस सॉलिड एंगल की बात करते हैं, ये वाला सॉलिड एंगल, देखो ये वाला सॉलिड एंगल की ये सॉलिड एंगल कितना है, इस वाले कोण से कितना निकलेगा? यानी इसको पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा बराबर जानते हैं कि ये होता है 2π × 1 − cos φ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos फाई। cos फाई निकालेंगे तो ये रेडियस तुम्हारा कितना है? r। ये रेडियस कितना है? r r। ये डिस्टेंस a, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos फाई कितना हो जाएगा? बेस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है? तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π, 2π इनटू 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है? तो अब देखो ये ओमेगा निकल गया, अब एक एक नियम लगा दो, एक एक नियम लगा दो, ठीक है? क्योंकि 4π से फ्लक्स इतना निकल रहा है इसलिए 1 से, इसलिए ओमेगा से, और जो भी आंसर आएगा डट इज और ये, ठीक है? राइट, हो जाएगा, ठीक। चलो ये सिंपल है, ठीक है? इसका हम लोग यूज करते हैं। देखो इसमें एक एक नियम लगा दो, चूंकि 4π से फ्लक्स निकला q बाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए 1 से, इसलिए ओमेगा से, एक एक नियम लगा दो, ये वाला मेथड, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है? अब देखो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ हम लोग यूज करते हैं, राइट? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हो गया? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है? देखो पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो, क्या यूज? हाँ बोलो, ऊपर ये नहीं आ रहा है? तो देखो यही आंसर सही है, ठीक है? उस वाले क्वेश्चन में जाके ध्यान से कहीं देखना, हो सकता है ए हम लोग कहीं एक्स्ट्रा आ गया होगा, ए कट जाएगा, ठीक है? दिस इज राइट, हाँ वाह, ए कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गई या कहीं से लिखा गया, ठीक है? बट दिस आई थिंक यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, आई थिंक यही आ रहा है ना? हाँ तो यही होगा, ठीक है? ध्यान से उसको एक बार कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट यही आ जाएगा, ठीक है? देखो एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू
लिख लो इसके बारे में क्या यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सिचुएशन ऑफ सिचुएशन ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रहे जो इंपॉर्टेंट होगा लिखा है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस टॉपिक पढ़ने के बाद ट्वेल्थ का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच एज, सिमेट्रिकल मतलब जैसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो फाइनाइट को हम लोग सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते, बट इनफाइनाइट को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल। पॉइंट कहीं भी लो, इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ कि जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक। इनफाइनाइट वॉल्यूम सीट ये सब क्या हो जाएगा, जो भी इनफाइनाइट होता है सब सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, पहले देख लो। यस, पहला, ठीक है, एक सरफेस चूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को गॉस लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रल E dot dA equal to Q in by epsilon naught। और यहाँ पे देखो ये Q in जो होता है वो सरफेस के अंदर वाला होता है, यह कौन सा Q in होता है, इनसाइड द सरफेस वाला। इसका मतलब पहले हम लोग को सरफेस पता होना चाहिए, राइट, तभी तो उसके चार्ज अंदर निकालेंगे। क्या पता होना चाहिए, सरफेस, कि सरफेस है कैसा, हम लोग को सरफेस पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने मन से एक चूज कर लेंगे, चूज अ सुटेबल क्लोज सरफेस, और इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक, पहली बात। और ये जो सरफेस होना चाहिए ये इट शुड बी सिमेट्रिकल, इट शुड बी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए पहली, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद देखो जब सरफेस पता चल जाएगा तो अंदर वाला चार्ज कैलकुलेट कर लो। सेकेंड क्या होगा, कैलकुलेट इनक्लोज चार्ज, ठीक। अब इनक्लोज चार्ज आ जाएगा, देन कैलकुलेट फ्लक्स, फ्लक्स दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, नाउ अप्लाई फॉर्मूला, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हम लोग ई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप है गॉस लॉ से की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, ठीक है, दीज आर द स्टेप। अब देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, हो गया। कि जो गॉस लॉ क्या बताते, बेसिकली फ्लक्स बराबर क्या, कभी देखो कभी कभी गॉस लॉ का प्रूफ पूछ देता है, और गॉस लॉ के एक्चुअल में फ्लक्स के बारे में बताता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो इसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं प्रूफ। देखो एक्चुअल में गॉस लॉ से, देखो वास्तव में पहले गॉस लॉ से कूलम्स लॉ आया है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे, लेकिन अभी हम लोग पहले कूलम्स लॉ पढ़ लिए, देन गॉस लॉ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कूलम्स लॉ इज वैलिड, एज्यूम करेंगे, एज्यूम कूलम्स लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, सभी जगह वैलिड है, ठीक। अब एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है,
कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। मान लो ये क्यू, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, राइट, एक स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर इमेजिन कर लो, r रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, और इसी इमेजिनरी स्फीयर को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। देखो हम ऐसा, हम जो सरफेस एज्यूम किए हैं ये क्लोज्ड है, ठीक, और हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इससे हम लोग को फ्लक्स निकालना है, इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखो तो पॉइंट कहीं भी ले, क्या हर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं डी ए, स्मॉल एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर क्या इधर ही होगा डी ए वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई कितना हो जाएगा, हाँ ए, हाँ एंड ई के बीच का जो एंगल आएगा थीटा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हाँ आर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर फ्लक्स लिखना चाहे इंटीग्रल ई डॉट डी ए, कैलकुलेट तो यही कर किए थे हम लोग। ठीक, और ई देखो, ई एवरीवेयर इज कांस्टेंट, ई क्या हर जगह कांस्टेंट है, ई क्या है हर जगह कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए, और डॉट लगा हुआ है तो कॉस 0 डिग्री। ठीक, अब देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा छोटा एरिया जो दो, क्या पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया, अब इसको तोड़ दो, के को लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 4πr2। देखो आर स्क्वायर, 4πr2 से 4πr2 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, q/ε0। ठीक है, तो यही फ्लक्स हो गया। हम लोग देखो यूज क्या किए, फॉर्मूला फ्लक्स का ये वाला यूज किए, और पहुंच कहाँ गए, q/ε0 पे। इसका मतलब दोनों इक्वल हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और दोनों मिलके गॉस लॉ बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ फॉर गॉस लॉ। और यहाँ से एक और बात पता चल रहा है कि जो ये जो हाई है, जो फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स होगा इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होगा। ठीक है, फ्लक्स जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। शेप, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, किस कैसा भी शेप साइज हो इसे मतलब नहीं है, बट सिमेट्रिकल से मतलब है, राइट, हो गया। लास्ट में ये बोले कि जो फ्लक्स होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, किसी भी शेप का ले लो। यहाँ पे देखो क्या बताते हैं कि हम लोग कैलकुलेट यूज किए थे फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए, ई डॉट डी ए वाला, पहुंच कहाँ गए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका मतलब दोनों इक्वल है, और इसी दोनों को मिला के तो गॉस लॉ बन गया, हो गया। अब देखो इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो हम लोग को गॉस लॉ पता है और कूलम्स लॉ नहीं पता है। ठीक, आगे चले, देखो सपोज कर लो हम लोग को गॉस लॉ पता है, गॉस लॉ नोन है, कूलम्स लॉ नोन नहीं है, कूलम्स लॉ नोन नहीं है, ये नहीं पता है, बट हम लोग को कूलम्स लॉ क्या कैलकुलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के कैलकुलेशन में यूज होता था, राइट। देखो हाँ, अब देखो इसकी वजह से मान लो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं क्यू, ठीक, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग को पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल e डॉट dA इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अप्लाई करने का तरीका बताए थे कि एक गॉसियन सरफेस से जूम करना है, देखो लिखवाए थे एज्यूम ए सुटेबल गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है, सुटेबल क्लोज सरफेस, ठीक, क्लोज सरफेस यहां से एक क्लोज लेना है, मतलब मान लो r रेडियस का एक स्फीयर ले लेंगे, ठीक है, समझो क्या, r रेडियस का स्फीयर लेंगे तो एकदम सिमेट्रिकल होगा, चार्ज सेंटर में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्या एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम अ गॉसियन सरफेस रेडियस r, ठीक है, r रेडियस का गॉसियन सरफेस, ठीक, और सरफेस कैसा है, स्फेरिकल, ठीक, ये तुम्हारा रहा गॉसियन सरफेस। अब देखो, अब इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया फैक्टर लेते हैं dA, ठीक है, तो देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो और dA वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्या सेम ही होगा, होगा कि नहीं, आवाज आ रही है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब अप्लाई करो गॉस लॉ, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे लाइन इंटीग्रल E dA cos 0 डिग्री, और इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, q by epsilon naught, राइट। अब देखो E हमको निकालना है, तो E बाहर निकाल दो, dA q by epsilon naught। अब देखो इस dA को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इस, ये तो स्फीयर है, छोटा छोटा इसे स्फीयर एरिया जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा कि नहीं, 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, E into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q by epsilon naught, यहां से देखो E बराबर कितना आ गया, q by 4 पाई epsilon naught into r स्क्वायर, क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, हुआ कि नहीं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यही जगह q by 4 पाई epsilon naught into r स्क्वायर, ठीक, यानी एक्चुअल में गॉस लॉ का यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए करते हैं, बट देखो इट शुड बी सिमेट्रिकल, देखो हम लोग सिमेट्रिकली यूज करते हैं, ठीक है, चलो आगे चले, अब इसका एप्लीकेशन पोर्शन देखते हैं एक एक करके, ठीक, इनफाइनाइट वायर सबसे पहला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अगर लेमडा कूलम पर मीटर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी डिस्टेंस के दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से, 2k लेमडा बाय डी, राइट। तो चलो अब हम लोग गॉस लॉ की मदद से देते हैं, देखो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहता है कि गॉस लॉ अप्लाई करना है कि नहीं, अगर नहीं अप्लाई करना है तो तुम लोग फंडामेंटल तरीका जो आता है जिस मेथड से हम लोग निकाले थे उस मेथड पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज गॉस लॉ मेंशन रहेगा कि गॉस लॉ ही अप्लाई करो, देन गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। cos 0 डिग्री कैसे है, देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, दोनों सेम होगा, तब सरफेस का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक, चलो हो गया। चलो सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, देखो क्वेश्चन में भी मेंशन रहेगा कि क्या अप्लाई करना है, ठीक, गॉस लॉ अप्लाई करके निकालना है, ठीक है, वायर कैसा है, इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, लेमडा कूलम
पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। यहाँ से डीप डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मोटो के हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला था गॉस लॉ में, सबसे फर्स्ट स्टेप था एज्यूम गॉसियन सरफेस, यही था ना। ठीक, और ये सरफेस कैसा होता था, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और दूसरी बात, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। देखो कैसा सरफेस मानेंगे कि इस वायर के सिमेट्रिकल भी हो जाए और ये जो वायर है सरफेस के अंदर भी आ जाए। देखो चार्ज इस पूरे वायर पे फैला हुआ है, चार्ज जो है पूरे वायर पे फैला हुआ है और ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो डी रेडियस का इमेजिन करो, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो, देखो देखो क्या का मान लिया, एक इमेजिनरी सिलेंडर एल लेंथ का, मान लो एल लेंथ का, समझ में आ रहा है क्या। अब ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, डी इधर पॉइंट लो चाहे डी इधर पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा ना। ऐसा सरफेस मानना है कि उस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। देखो यहां भी लो या पॉइंट यहां भी लो, कहीं भी यहां भी लो यहां भी लो, हर वायर से हर जगह का डिस्टेंस कितना है, डी है, और चूंकि इनफाइनाइट है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे यहां पे, गॉसियन सरफेस वह कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ज़ूम कर लेंगे, राइट, डी डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। अब देखो, अब सरफेस गॉसियन सरफेस है तो ये तो कर्व हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें तीन सरफेस हो गया, इस सिलेंडर में कितना सरफेस है, तीन, एक कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस है कि नहीं, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला, तो दो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अगर हम लोग लिखे अप्लाई गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ ये कहता है ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक तो काम कर लिए गॉसियन सरफेस ज़ूम कर लिए, दूसरा है क्यू इन, ठीक है। तो देखो इस एल लेंथ में टोटल चार्ज कितना होगा, अगर हम क्यू इन कैलकुलेट करें, क्यू इन तो क्या लिखेंगे, लेमडा इनटू एल लिख दें, लेमडा दे रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी दे रखा है लेमडा कूलम पर मीटर, एक कूलम पे लेमडा, एक मीटर पे लेमडा कूलम चार्ज है, तो एल मीटर पे कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू एल, ठीक। तो चलो ये क्यू इन भी कैलकुलेट कर लिए। अब देखो अब आता है एरिया, तो यहाँ पे तीन तरह, दो तरह का एरिया है, एक कर्व सरफेस एरिया और दूसरा फ्लैट, एक कर्व। देखो इमेजिन करना है सिंपल, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बाहर आउट, रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं, हर जगह ऐसा होगा। यानी कर्व सरफेस से, अगर कर्व सरफेस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो देखो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखो E डॉट DA, तो DA डॉट प्रोडक्ट है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एंगल कितना है, जीरो, 90 डिग्री, ठीक। इसलिए फ्लैट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ कर्व का होगा। तो E तो कांस्टेंट है पूरे कर्व पे, बाहर निकाल लो DA, और क्यूविन कितना हो जाएगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो एरिया कौन सा है, कर्व वाला, ये कौन सा एरिया है, कर्व वाला, क्योंकि फ्लैट की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है, जीरो, ठीक। अब देखो अब निकालो, देखो ई अगर इस डी ए को इंटीग्रेट कर दे पूरा, मतलब पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और ये सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है, टू पाई आर एल, यानी आर एक्चुअल में डी हो जाएगा, डी इंटू एल, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डी लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कैंसिल, ई कितना आ जाएगा,
लेमडा बाई 2 pi epsilon नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम लोग तो पढ़े 2k lambda by d, यही पढ़े ना, और d भी नीचे आ जाएगा। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 pi epsilon naught को क्या लिख सकते हैं, 2k lambda लिख दें, ठीक। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा, 2k lambda by d, देखो k का वैल्यू पुट करो फिर से ऊपर ही आ जाएगा, आ जाएगा ना, देखो गॉस लॉ एक्चुअल में, देखो यहाँ पर ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक। अब देखो तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है, HW प्रैक्टिस करना है, बनाना है होमवर्क, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, सिलिंड्रिकल, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर, और इसमें भी सिलिंड्रिकल दो तरह का सिलेंडर होगा, एक सॉलिड और एक हॉलो, दूसरा सॉलिड, ठीक है। अब देखो होमवर्क करना क्या है, मान लो ये सेल्स इन हॉलो सिलेंडर बना देते हैं, ठीक, देखो ये तुम्हारा रहा हॉलो, बट ये कैसा है, इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं समझना है कि ये फाइनाइट है, इधर भी फैला हुआ और नीचे भी फैला हुआ है, और इसका रेडियस है r, ठीक है, रेडियस कितना है r, सिलेंडर कैसा है, इनफाइनाइट। तो एक बात बताओ, ये हॉलो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, हाँ सरफेस चार्ज, चूंकि हॉलो है तो ये सरफेस पे चार्ज होगा, सरफेस चार्ज, यानी इसमें सिग्मा डिफाइन होगा, राइट। तो तुम लोग को 3 पॉइंट लेना है इस केस के लिए, केस फर्स्ट लेना है कि अगर r लेस देन r रहे, मतलब इनसाइड द सिलेंडर है, इनसाइड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आंख मूंद के बता सकता है 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, पॉइंट अंदर लेंगे तो कोई चार्ज होगा, इसके अंदर कोई चार्ज होगा। केस टू लेना है, अगर r ग्रेटर देन r, यानी पॉइंट बाहर ले लो, ठीक है, समझो पॉइंट हम यहाँ ले लिए और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करते हैं, हाँ इसके अंदर सिलेंडर आ रहा है, चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। थर्ड केस लेना है, r इक्वल टू r आ जाए, यानी ऑन सरफेस, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन नंबर टू इसी का, ड्रॉ ग्राफ ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर इन ऑल केसेस, इसके लिए ड्रॉ करना है। तो ये हॉलो के लिए हो गया, ठीक, फर्स्ट हॉलो के लिए, सेकंड सेम केस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो इसमें क्या डिफाइन होगा, सॉलिड में चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे, लिनियर या वॉल्यूम में, तो इसमें रो डिफाइन होगा, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, सेम चीज डिफाइन। ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन सॉलिड के लिए भी करना है, ये तुम लोग का होमवर्क है। और अप्लाई क्या करना है, गॉस लॉ, ध्यान रहे सॉलिड सिलेंडर भी इनफाइनाइट है, हॉलो सिलेंडर भी इनफाइनाइट है, तभी एप्लीकेबल होगा गॉस लॉ, एकदम नोट याद करके रखना है, गॉस लॉ ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है, ठीक है, राइट, हो गया क्या, हाँ दोनों केस में ग्राफ ड्रॉ करना, ये होमवर्क है, ठीक है,
दिमाग लगाना है, इसको पूरे इस होमवर्क को कैलकुलेट करना है, बनाना है, ठीक है? फिर कल हम लोग स्टडी करेंगे, राइट? ओके, चलो, थैंक यू।